हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है झारखंड SSC की तरफ से फील्ड वर्कर की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। इसके लिए टोटल पोस्ट 510 यानी कि 510 पोस्ट रहेगा। तो आगे जानेंगे इस पोस्ट के रिगार्डिंग बाकी की सारी डिटेल्स, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, एग्जाम पैटर्न खुद से देखना, सिलेबस वगैरह, तो वो सब नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, जो कि अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, देखिए, है तो झारखंड की वैकेंसी, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी की पोस्ट होती है। चलिए अब बाकी की डिटेल्स आपको बता देती हूँ। अप्लाई करने का जो डेट होगा ना, 1st August to 31st, मतलब कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक अप्लाई होगा। तो बहुत जल्द अभी नेक्स्ट मंथ फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है। तैयारी की स्पीड को अभी से आप अच्छा रखिए, ताकि उस टाइम पे जब पेपर हो, फॉर्म अप्लाई करो, उसके बाद जब पेपर हो, तो आप एक बार में अच्छा स्कोर करो और आपको एक सीट मिल जाए। देखिए, अप्लाई करते वक्त फी भी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। SC ST कैंडिडेट से 50 रुपीज़ एंड अदर जो भी है, जनरल, OBC, EWS, अदर स्टेट के कैंडिडेट, सभी से 100 रुपीज़ लिया जाएगा। तो फी भी ज़्यादा नहीं है। अब बता दूं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। सबसे पहले ये जान लीजिए किस डेट से एज कैलकुलेट होगा। एज ऑन 1st August 2024, मतलब 1 अगस्त 2024 के अनुसार, जनरल और EWS का 18 to 35, मतलब कि 35 वर्ष है, 18 वर्ष से 35 वर्ष। OBC को रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पर 2 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, 18 वर्ष से 37 वर्ष रहेगा। SC ST जो महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट होंगे, उनको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, तो यहाँ 18 to 40 ईयर्स। देख सकते हैं अपर एज कैसे डिफर कर रहा है, यहाँ पर 2 साल का, यहाँ 3 साल का। वहीं पर जो महिला कैंडिडेट जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है, उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ईयर्स का, सॉरी, यहाँ पर SC ST वालों को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, फीमेल्स को 3 ईयर्स का है। देखिए, फीमेल में वो भी बता दिया कि जनरल, EWS, OBC के लिए 3 वर्ष का है, 18 वर्ष से 38 वर्ष। तो आशा करती हूँ कि आप सभी एज की क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लिए होंगे। आगे बता दूं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए, क्वालिफिकेशन भी हायर यहाँ पर डिमांड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। 10th में भी क्या परसेंटेज है उससे कोई मतलब नहीं, आप 10वीं पास कर रखे हो तो आप इलिजिबल रहेंगे। आगे बताऊंगी इसका सिलेक्शन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि टोटल 510 सीट को कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 230 यानी 230 पोस्ट, EWS के लिए 51, BC कैटेगरी के लिए 7, EBC के लिए 45, SC कैंडिडेट के लिए 133 यानी कि 133, और ST के लिए 44 यानी 44 सीट रहेगा। अब बता देती हूँ इन पोस्ट के रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है एकदम। आपका एक सिंगल स्टेज का होगा क्या रिटेन एग्जाम, सेम डे में होगा, 3 पेपर रहता है, एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है। तो बस लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका चयन होगा। मेरिट किस तरह से बनेगा वो आगे बताऊंगे। चलिए फिलहाल हम लोग एग्जाम पैटर्न को इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, 3 पेपर होता है। पेपर 1 आपका लैंग्वेज यानी भाषा का होता है। मिनिमम इसमें 30% आपको स्कोर करना होता है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें पेपर 1 में होता है 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, मतलब 120 क्वेश्चन फॉर 360 मार्क्स। टाइम रहेगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 का। अब लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें 2 लैंग्वेज का पूछा जाता है, इंग्लिश और हिंदी। तो हिंदी से रहेगा 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से रहेगा 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। ये देखिए, पेपर 1 2 घंटे का रहेगा, फिर जस्ट सेम डे आपका पेपर 2 होगा थोड़े से ब्रेक के बाद, वो भी 2 घंटे का होगा। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के लिए। समय तो पहले ही बताया कि 2 घंटे का, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है 1/3 का। अब अगर क्षेत्रीय भाषा की बात की जाए,
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, बंगला, मुंडारी यानी मुंडा, हो, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, उरिया या फिर पंच परगनिया। अब इतना सारा लैंग्वेज आपको बता रही हूँ तो आप ये सोच रहे हो कि सारा लैंग्वेज, ये पॉसिबल नहीं है कि किसी एक इंसान को इतना सारा लैंग्वेज आता हो, हर किसी को नहीं आ सकता है, रेयर ही केस ऐसा होगा जिसको सारा भाषा आता होगा। इसमें से कोई एक भाषा से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना, 100। आई होप कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका पेपर 3 होता है। पेपर 3 भी 2 घंटे का होता है, मतलब एक दिन में आपको 6 घंटे का एग्जाम होगा, लगातार नहीं होगा, 2-2 घंटे का पेपर होगा, बीच में होगा आपका ब्रेक। देखिए 120 यानी कि 120 क्वेश्चन होगा 360 मार्क्स के लिए। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा सारे में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है। समय 2 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। अब विषय वाइज बात करें तो पेपर 3 में आज जैसे कि आपका जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है तो उस तरह से यहाँ पर होता है। देखिए जनरल नॉलेज का 40 क्वेश्चन यानी 40 प्रश्न, झारखंड स्पेशल जी के आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो झारखंड से रिलेटेड एक किताब खरीदी अगर इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे तो, और उसका जीके जीएस करेंट अफेयर्स एकदम रट के जाइए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ्स के लिए रहेगा 10 क्वेश्चन एंड लास्टली जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से 20 यानी 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो पेपर 3 भी आपका हो जाएगा। मेरिट आपका बनता है किस बेसिस पर, देख लीजिए पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें 30% लाए तो पास हो गए। आपका ये दोनों जो सेक्शन हुआ पेपर 2 पेपर 3 इसका नंबर कैलकुलेट करके मेरिट बनेगा, उसको क्वालिफाई कट ऑफ पार कर जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए झारखंड में आपको फील्ड वर्कर की जॉब रहेगी, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 इसका नाम है और इसका सारा जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दूंगी। फिलहाल ये जान लीजिए कि सैलरी क्या मिलेगा। सैलरी आपका 18,000 से शुरुआत है, आफ्टर पर्क्स अलाउंस से सैलरी इसमें बढ़ाई जाती है, परमानेंट जॉब होता है। 56,900 मतलब 60,000 के करीब सैलरी बढ़ के हो जाती है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। फॉर्म अगर एलिजिबल हो आप तो अप्लाई कर दें और तैयारी की शुरुआत कर दें। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करके क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।